नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्योपुर ग्राम पंचायत उतनवाड़ में मनरेगा योजना अंतर्गत विजिट। जीआईजेट द्वारा संचालित सामुदायिक पोषण वाटिका में तकनीकी संस्था हर्षा ट्रस्ट टीम द्वारा विजिट किया गया, जिसमें एसएचजी की दीदियों द्वारा विजिट करने आए सुश्री सरस्वती, कौस्तव दत्ता एवं कुमुद कंदपान ने सामुदायिक पोषण वाटिका में कार्य करने वाली एसएचजी की दीदियों से जैविक खेती पर चर्चा की गई और सीएनजी पर सब्जी और पौधों में जैविक खाद बनाकर उसका उपयोग करने का तरीका बताया गया, जिसमें जीवामृत, मटका खाद, निमास्त्र, गोबर खाद का उपयोग करने पर अधिक से अधिक हरी सब्जियां, फलदार पौधों में पानी देने के साथ उपयोग करने पर चर्चा हुई और सीएनजी पर सब्जी लगाने का तरीका बताया गया कि क्यारी बनाकर सब्जी लगाई जाना चाहिए अलग अलग प्रकार से, जिससे सब्जी उत्पादन क्षमता अधिक होती रहे, और उसके अलावा सीजन के अनुसार ही सब्जी लगाने पर बात हुई, जिसमें ग्राम पंचायत रोजगार सहायक हेमंत नागर, हर्षा ट्रस्ट से जिला समन्वयक मुनीश कुमार मीना, फील्ड एग्जीक्यूटिव धर्म सिंह मीना, सीआरपी भरत नायक एवं एसएचजी की दीदियां एवं ग्रामवासी उपस्थिति रहे। इसके बाद ग्राम पंचायत छिया में सीएनजी पर विजिट की गई, जिसमें एसएचजी महिलाओं को जैविक खेती पर चर्चा हुई और सीएनजी पर सब्जी लगाने पर बात करते हुए एसएचजी महिलाओं को जैविक खाद बनाकर उसका उपयोग करने पर चर्चा हुई, जिसमें मातादीन प्रजापति कराहल ब्लॉक और सीआरपी राजाराम उपस्थित रहे। और फिर उसके बाद ग्राम पंचायत बारंगवा में सीएनजी पर विजिट की गई, जिसमें पौधे लगाए गए और उन्होंने सब्जी लगाने पर बात हुई और सामुदायिक पोषण वाटिका पर सब्जी में जैविक खाद बनाकर उसका उपयोग करने पर चर्चा हुई, जिसमें संजय कुमार उपस्थित रहे। और उसके बाद ग्राम आगरा में सीएनजी पर विजिट कराई गई, जिसमें एसएचजी महिलाओं से बात करते हुए कहा कि आप अपने अपने घर में उपयोग करने के लिए सीएनजी पर जैविक खेती करना है और उसका उपयोग करने पर चर्चा हुई, जिसमें अनुराधा चौहान उपस्थित रही। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट।